दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न नाउ लुई फिशर से ये गांधी के सारे कार्यक्रमों का एक पैटर्न था एक तरीका था एक सदा बधा तरीका था क्या हिस्स पॉलिटिक्स वे आर इंटरवाइंड विथ प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस इंटरवाइंड मतलब गुथा होना इंटरवाइंड गुथा होना उनकी जो राजनीति थी वह प्रायोगिक और रोजमर्रा की समस्याएं जो आदमियों की थी उससे गुथी हुई थी राजनीति का संबंध मूल रूप से लोगों की समस्याओं के निवारण से था राजनीतिक अर्थ उनका यह नहीं था कि अंग्रेजों को हटाओ नहीं वो तो अपने आप हाँ डेवलप होता गया गांधी का कहना था मैं जो भी करता हूं वो तो एक्चुअली समाज के लिए कर रहा हूं उनको बोलता हूं कि अपनी आय बढ़ाओ अपना स्वास्थ्य ठीक करो अपनी सफाई रखो सैनिटरी कंडीशन की चिंता करना हिसाब की चिंता करना ये सब क्या है ये सब के पीछे गांधी का देश था हमारे देश की जनता को सिखाना कुछ सीखने की जरूरत है और वो सीखते सीखते उनके मन में स्वाभिमान भी जागेगा आत्मविश्वास भी जागेगा और आत्मबल भी बढ़ेगा। गांधी उनकी राजनीति आत्म इंटरवाइंड भी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं से उनकी राजनीति का संबंध था हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एबस्ट्रैक्शन कल्पना के प्रतीक कोई उनका झुकाव नहीं था कि कल्पना की उड़ान करेंगे कल्पना की दुनिया में रहेंगे सोचेंगे ना नॉज नॉट ए लॉयल्टी किसी के प्रति समर्पित होना कल्पनाओं के दुनिया, दुनिया के प्रति वो समर्पित नहीं थे एब्रेक्शन मतलब कल्पनाएं इट वॉज ए लॉयल्टी टू द लिविंग ह्यूमन बींग ये गांधी का जो जीवंत आदमी है हाड़ मांस का बना आदमी जीवंत सजीव उसके प्रति गांधी का झुकाव था उसके प्रति गांधी का रुझान था उसके प्रति गांधी समर्पित थे ये जीवंत आदमी के प्रति समर्थन समर्पित होने का जो उनका तरीका था वो उनकी राजनीति थी उनकी राजनीति अंग्रेजों को खदेड़ने या अंग्रेजों का विरोध करने वाली राजनीति नहीं थी इन एवरी थिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन अब लुई फिशर आगे कहते हैं गांधी ने जो भी किया इस सबके बावजूद मोर ओवर इस सबके बावजूद ही ट्राई टू मोल्ड टू मोल्ड मतलब ढांचा देना एक एक मोल्ड करना मतलब उसको ढालना ढालने में प्र ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन उनका सतत प्रयास ये रहता था कि भारतीय लोग ढलें किस रूप में ढले फ्री इंडियन के रूप में उनके मंत्र में मन में जो मानसिकता जो गुलामी की मानसिकता आ गई थी कि हम गुलाम थे ग़ुलाम हैं गुलाम रहेंगे ऐसी वाली जो सोच थी उससे मुक्त होने की उनकी शैली थी उनका तरीका था उससे मुक्त करने का ही ट्राइड उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया कि भारतीयों को एक स्वतंत्र भारती के रूप में ढालने की कोशिश करें अर्थात उन्हें महसूस कराएं उनमें वो बदलाव लाएं कि हम लोग स्वतंत्र हैं गुलामी हम पर थोपी गई है हमारा जन्म गुलाम रहने के लिए नहीं हुआ है गुलामी थोपी गई है ऐसा गांधी का बार बार विचार था हु ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री भारतीयों को ढालने में की कोशिश गांधी लगातार कर रहे थे किस रूप में ढालने में कि स्वतंत्र महसूस करे क्योंकि तभी तो वो अपने पैरों पर खड़ा होगा ओनली ही विल स्टैंड ऑन हिज ओन फीट टू स्टैंड ऑन वंस फीट ओ एन ई ए पोस्ट ऑफ यस वंस फीट मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना तब तो जाके वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और फिर भारत को स्वतंत्र करेगा एंड दस मेक इंडिया फ्री और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करेगा पहले खुद स्वतंत्रता महसूस करो अपने मन को बदलो जो गुलामी की दासता को इतना अंदर तक आपने भर लिया है और ये सोचते हो कि हम गुलाम हैं हमारा जन्म गुलामी के लिए हुआ है इस सोच को अपने मन से निकालो और यदि ऐसा करोगे तो आप भी स्वतंत्र होगे और आपके साथ साथ देश भी स्वतंत्र होगा ये उनकी राजनीति का पैटर्न था इन द चंपारन एक्शन चार्ल फ्रीजर एंड्रूस द ब्रिटिश पैसिफिस्ट चंपारण के कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था सी एफ एंड्र्यूस चार्ल फ्रेजर एंड्रूस बहुत प्रसिद्ध नाम जो एक अंग्रेज था और पैसिफिस्ट था हुम ए बिग नेम And also the follower of Mahatma. Pacifist मतलब होता है शांति दूत, शांति प्रिय व्यक्ति, not proactive, aggressive नहीं, pacifist जो शांति की महत्ता पर और शांति पर विश्वास करते हैं। तो C. F. Andrews came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. एक व्यक्ति जिसका नाम सी एफ एंड्रीज था चार्ल्स फ्रेजर एंड्रीज वो गांधी का अनुयायी था फॉलोअर यानी अनुयायी फिजी एक कंट्री का नाम है वहाँ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जब उसे जाना होता है फिजी तो जाने के पहले वो गांधी से मिलने आया गांधी टू टू बिड गांधी फेयरवेल टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना विदाई लेना ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए ड्यूटी टू फिजी टू बिड फेयरवेल एक तो टू बिड मतलब होता है बोली लगाना नीलामी के समय जो बोली लगाते हैं ना देर इज ए बिडिंग गोइंग ऑन वहां नीलामी चल रही है और टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना तो so, में अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए जाने से पूर्व गांधी का एक अनुयायी जिसका नाम फ्रेजर था फ्रेज़र वो उनसे मिलने आता है गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूस टू स्टे इन चंपार एंड हेल्प गांधी के जो सहयोगी थे लॉयर सहयोगी आपको याद होगा राजेंद्र प्रसाद के साथ बहुत सारे लॉयर्स आ गए थे चंपारण में और उन्हीं लॉयर्स लोगों ने महसूस किया कि चार्ल्स एंड्रूज यदि यहाँ रुक जाते हैं चंपारण में तो ये एक बड़ा अच्छा विचार होगा ताकि क्योंकि इससे उनको मदद मिलेगी उनको लगा चार्ल्स एंड्रूज हमारी हमारे काम आ सकता है इसलिए वो चाहने लगे कि वो यहां रुक जाए चंपारण में रुक जाए एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड एंड्रूज इस बात के लिए तैयार थे बशर्ते गांधी उसके लिए सहमति दें राजीनामा दें किस बात के लिए कि हां एंड्रूज तुम फिजी ना जाकर के यहीं रह जाओ इमेजिन एन इंग्लिश मैन ज्वाइनिंग लॉयर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड चंपारण बट डिसाइडेड टू एग्री टू स्टे बैक एंड चंपारण बट गांधी वेहरी मेंटली अपोज वेहरी मेंटली मतलब वेरी स्ट्रांगली टू अपोज मैंने विरोध करना गांधी ने इस विचार का बड़ा सख्त विरोध किया किस विचार का चंपारण में एंड्रूज रहें उन्होंने कहा you think that so this way gandhiji makes sure that at champaran while he is at champaran not only economic transformation takes place and conditions of farmers and other people improve but he also saw to it that there is transformation in the social condition living condition health condition etc etc and for that as we said he took help of so many people including his wife now all this makes champaran episode episode Mani ghatana. we move to the next paragraph all this makes champaran episode a turning point जैसे मैंने पहले बताया टर्निंग पॉइंट यानी मील का पत्थर एक ऐसी घटना जो पूरी तरह बदलाव लाती है इट अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ दैट इज वॉट गांधी सेड टू लुई फिशर द राइटर लुई फिशर आज हाउ यू फील इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ इन योर लाइफ चंपारण के लोगों के जीवन के में के लिए तो यह मील का पत्थर था ही पर गांधी जी के लिए भी यह मील का पत्थर साबित हुआ तो लुई फिशर ने पूछा कैसे तो गांधी ने कहा वॉट आई डिड वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग मैंने बहुत सामान्य चीज की वहां ऑर्डिनरी थिंग आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई ओन कंट्री मेरे को अपने देश के बारे में वो आदेश नहीं दे सकते बस मैंने यही किया कल्पना करिए इतनी बड़ी चीज। ब्रिटिश को एक तरीके से उन्होंने चुनौती दी थी चंपारण में लेकिन जब उनसे पूछा गया गांधी से लुई फिशर ने बाद में पूछा कि क्या रहस्य है आपके सफलता का उनका कुछ नहीं मैंने बड़ी सादा चीज की आई

ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर प्रेजेंट टू एलिविएट मतलब कम करना टू एलिविएट द एंगजाय डॉक्टर लोगों की एंगजाइटी को तनाव को कम करने के लिए कई बार डॉक्टर्स दवाई देते हैं टू एलिविएट मतलब किसी चीज को कम करना गिरावट लाना टू एलिविएट द एग्जायटी एंड हियर टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर डिस्ट्रेस मतलब दिक्कत तकलीफें तनाव दिक्कत तकलीफें लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट उनके तनाव को उनकी चिंता को उनकी समस्याओं को कम करने का मैंने प्रयास किया उसी से शुरू हुआ बस अर्थात मैंने कोई मेरे मेरा आंदोलन या मैंने जो भी चंपारण में किया वो अंग्रेजों का विरोध करना ऐसी शुरुआत नहीं थी शुरुआत तो थी इनकी स्थिति को सुधारना किसानों की स्थिति को सुधारना और उस सुधार की प्रक्रिया में यदि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे अंग्रेजों को लगता है उनको चुनौती दी गई तो वो उसका बाई प्रोडक्ट है उसका दूसरा परिणाम है लेकिन मेरा उद्देश्य तो केवल मेरे किसान भाइयों मेरे देशवासियों की स्थिति को सुधारना था दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न लुई फिशर यह गांधी के सारे कार्यक्रमों का एक पैटर्न था एक तरीका था एक सधा बधा तरीका था क्या हिज पॉलिटिक्स वे आर इंटरवाइंड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस इंटरवाइंड मतलब गुथा होना इंटरवाइंड गुथा होना उनकी जो राजनीति थी वह प्रायोगिक और रोजमर्रा की समस्याएं जो आदमियों की थी उससे गुथी हुई थी राजनीति का संबंध मूल रूप से लोगों की समस्याओं के निवारण से था राजनीतिक अर्थ उनका यह नहीं था कि अंग्रेजों को हटाओ नहीं वो तो अपने आप हाँ डेवलप होता गया गांधी का कहना था मैं जो भी करता हूँ वो तो एक्चुअली समाज के लिए कर रहा हूँ उनको बोलता हूँ कि अपनी आय बढ़ाओ अपना स्वास्थ्य ठीक करो अपनी सफाई रखो सैनिटरी कंडीशन की चिंता करना हिसाब की चिंता करना ये सब क्या है ये सब के पीछे गांधी का देश था हमारे देश की जनता को सिखाना कुछ सीखने की जरूरत है और वो सीखते सीखते उनके मन में स्वाभिमान भी जागेगा आत्मविश्वास भी जागेगा और आत्मबल भी बढ़ेगा। उनकी राजनीति आत्म इंटरवाइंड विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याओं से उनकी राजनीति का संबंध था हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एबस्ट्रेक्शन कल्पना के प्रतीक कोई उनका झुकाव नहीं था कि कल्पना की उड़ान करेंगे कल्पना की दुनिया में रहेंगे सोचेंगे ना हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी किसी के प्रति समर्पित होना कल्पनाओं के दुनिया, दुनिया के प्रति वो समर्पित नहीं थे एब्रेक्शन मतलब कल्पनाएं इट वॉज ए लॉयल्टी टू द लिविंग ह्यूमन बींग ये गांधी का जो जीवंत आदमी है हाड़ मांस का बना आदमी जीवंत सजीव उसके प्रति गांधी का झुकाव था उसके प्रति गांधी का रुझान था उसके प्रति गांधी समर्पित थे ये जीवंत आदमी के प्रति समर्थन ए, समर्पित होने का जो उनका तरीका था वो उनकी राजनीति थी उनकी राजनीति अंग्रेजों को खदेड़ने या अंग्रेजों का विरोध करने वाली राजनीति नहीं थी इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन अब लुई फिशर आगे कहते हैं गांधी ने जो भी किया इस सबके बावजूद मोर ओवर इस सबके बावजूद ही ट्राई टू मोल्ड टू मोल्ड मतलब ढांचा देना एक एक मोल्ड uh, करना मतलब उसको ढालना ढालने में ही ट्राई टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन उनका सतत प्रयास ये रहता था कि भारतीय लोग ढलें किस रूप में ढलें फ्री इंडियन के रूप में उनके मंत्र में मन में जो मानसिकता जो गुलामी की मानसिकता आ गई थी कि हम गुलाम थे गुलाम हैं गुलाम रहेंगे ऐसी वाली जो सोच थी उससे मुक्त होने की उनकी शैली थी उनका तरीका था उससे मुक्त करने का ही ट्राइड उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया कि भारतीयों को एक स्वतंत्र भारती के रूप में ढालने की कोशिश करें अर्थात उन्हें महसूस कराएं उनमें वो बदलाव लाएं कि हम लोग स्वतंत्र हैं गुलामी हम पर थोपी गई है हमारा जन्म गुलाम रहने के लिए नहीं हुआ है गुलामी थोपी गई है ऐसा गांधी का बार बार विचार था हु ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री भारतीयों को ढालने में की कोशिश गांधी लगातार कर रहे थे किस रूप में ढालने में स्वतंत्र महसूस करे क्योंकि तभी तो वो अपने पैरों पर खड़ा होगा ओनली ही विल स्टैंड ऑन हिज ओन फीट टू स्टैंड ऑन वंस फीट ओ एन ई ए पोस्ट ऑफ यस वंस फीट मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना तब तो जाके वह अपने पैरों पे खड़ा होगा और फिर भारत को स्वतंत्र करेगा एंड दस मेक इंडिया फ्री और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करेगा पहले खुद स्वतंत्रता महसूस करो अपने मन को बदलो जो गुलामी की दासता को इतना अंदर तक आपने भर लिया है और ये सोचते हो कि हम गुलाम हैं हमारा जन्म गुलामी के लिए हुआ है इस सोच को अपने मन से निकालो और यदि ऐसा करोगे तो आप भी स्वतंत्र होगे और आपके साथ साथ देश भी स्वतंत्र होगा ये उनकी राजनीति का पैटर्न था अर्ली इन द चंपारन एक्शन चार्ल फ्रेजर एंड्रूस द ब्रिटिश पैसिफिस्ट चंपारण के कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था सी एफ एंड्रूस चार्ल फ्रेजर एंड्रूस बहुत प्रसिद्ध नाम जो एक अंग्रेज था और पैसिफिस्ट था हुम ए बिग नेम एंड ऑल्सो द फॉलोअर ऑफ महात्मा पैसिफिस्ट मतलब होता है शांति दूत शांति प्रिय व्यक्ति नॉट प्रो एक्टिव एग्रेसिव नहीं पैसिफिस्ट जो शांति की महत्ता पर और शांति पर विश्वास करते हैं तो सी एफ एंड्रूस केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आयलैंड एक व्यक्ति जिसका नाम सी एफ एंड्रयूज था चार्ल्स फ्रेजर एंड्रयूज वो गांधी का अनुयायी था फॉलोअर यानी अनुयायी फिजी एक कंट्री का नाम है वहां अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जब उसे जाना होता है फिजी तो जाने के पहले वो गांधी से मिलने आया गांधी टू टू बिड गांधी फेयरवेल टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना विदाई लेना ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आलैंड टू बिड फेयरवेल एक तो टू बिड मतलब होता है बोली लगाना नीलामी के समय जो बोली लगाते हैं ना देर इज ए बिडिंग गोइंग ऑन वहां नीलामी चल रही है और टू बिड फेयरवेल मतलब विदाई देना तो फ़िज़ी में अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए जाने से पूर्व गांधी का एक अनुयायी जिसका नाम फ्रेजर था फ्रेज़र वो उनसे मिलने आता है गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूस टू स्टे इन चंपार एंड हेल्प गांधी के जो सहयोगी थे लॉयर सहयोगी आपको याद होगा राजेंद्र प्रसाद के साथ बहुत सारे लॉयर्स आ गए थे चंपारण में और उन्हीं लॉयर्स लोगों ने महसूस किया कि चार्ल्स एंड्रूज यदि यहाँ रुक जाते हैं चंपारण में तो ये एक बड़ा अच्छा विचार होगा ताकि क्योंकि इससे उनको मदद मिलेगी उनको लगा चार्ल्स एंड्रूज हमारी हमारे काम आ सकता है इसलिए वो चाहने लगे कि वो यहां रुक जाए चंपारण में रुक जाए एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड एंड्रूज इस बात के लिए तैयार थे बशर्ते गांधी उसके लिए सहमति दे राजीनामा दें किस बात के लिए कि हाँ एंड्रूज तुम फिजी ना जा करके यहीं रह जाओ इमेजिन एन इंग्लिश मैन ज्वाइनिंग लॉयर्स

ये जो ये अन फाइट है कहाँ माइटी एम्पायर अंग्रेज लोग और कहाँ हम भारतीय जो कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से मानसिक रूप से उनकी जो लड़ाई चल रही है ब्रिटिश सत्ता से जो हर दृष्टि से बहुत ताकतवर हैं उसमें सी एफ एंडरूस के रुक जाने से आपको लगता है कि फ़ायदा होगा ये उचित है Do you think it is proper? और तुमको ये लगता है कि यदि हमारी तरफ ये अनरूज आ जाएंगे या हमारे साथ रहेंगे हमारे सहयोग करेंगे हमारे साथ काम करेंगे तो ये लड़ाई इक्वल्स की हो जाएगी यू थिंक दैट इट इज इन दिस अन इक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल सवाल पूछते हैं वो कि क्या ये उचित होगा क्या हमें मदद करेगा ये ऐसी सोच बहुत गलत है गांधी ने कहा एक अंग्रेज को हमारी तरफ ले आओ और ऐसा सोचो कि अब हम अंग्रेजों से इस अंग्रेज आदमी के बल पर लड़ लेंगे गलत है दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट उन्होंने लॉयर्स को चिताया कि तुम्हारे दिल की तुम्हारी सोच की कमजोरी है अनइक्वल फाइट क्यों मान रहे हो इसे दूसरा एक अंग्रेज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक अंग्रेज को अपनी तरफ लेके सोच रहे हो कि इससे फायदा होगा यह अपनी कमजोरी बताता है हम स्वयं बिना अंग्रेज के भी लड़ सकते हैं हम में इतना आ, मानसिक साहस होना चाहिए शारीरिक साहस नहीं मानसिक साहस दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट आगे वो कहते हैं द कॉज इज जस्ट जिस बात के लिए आप लोग चंपारण में सब आए हो वो सब न्यायोचित है जस्ट माने न्यायोचित उचित एक जस्ट का मतलब था जस्ट वेन आई केम जिस समय जिस समय मैं आया उस समय तो जस्ट वेन आई केम आई एम जस्ट कमिंग मैं बस अभी आता ही हूं और यहां पर है जस्ट माने न्यायोचित इट इज नॉट जस्ट ये न्यायोचित नहीं है उसी से बना है जस्टिस ज्यूरी जुडिशियरी से बना है। so, तो गांधी ने कहा कि मेरे मित्रों वकील मित्रों आप लोग जिस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं यहाँ एकत्रित हैं चंपारण में वो न्यायोचित है एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन यूर सेल्फ टू विन द बैटल टू रिलाई अपॉन निर्भर होना और तुम्हें लड़ाई जीतने के लिए अपने स्वयं पे निर्भर होना चाहिए यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ दूसरे की मदद क्यों ले रहे हो एंड्रू फेजर एक अंग्रेज के को लेकर उसकी छाती से अंग्रेजों पर प्रहार करना कायरों की कायरों की निशानी है खुद अपने दिल को मजबूत करो रिलाई ऑन योर जस्ट कॉज तुम्हारी जो लड़ाई है वो न्यायोचित है उचित कारण के लिए है उसमें डरने की कोई बात नहीं अपने को कमजोर समझने की कोई बात नहीं मतलब एंड्रू फ्रेजर को केवल इसलिए अपनी तरफ लेना कि आप अंग्रेजों को फ्रेजर के नाम से कुछ राजनीति करोगे ये गलत है गांधी वॉज वेरी डिफरेंट इन हिज थाट यू मस्ट रिलाई ऑन टू रिलाई ऑन आई रिलाईड ऑन यू एंड यू डिड नॉट कम मैं तुम पर निर्भर हुआ और तुम आए नहीं आई relied ऑन योर आंसर मैं तुम्हारे उत्तर पर निर्भर था कि तुम मुझे उत्तर दोगे मैं उसे कॉपी करूंगा आई रिलाईड ऑन यू फॉर द आंसर बट यू डिड नॉट गिव मी वट इट टू रिलाई ऑन मतलब निर्भर होना तो गांधी से यू शुड रिलाई अपॉन यू रिलाई ऑन योर सेल्फ टू विन द बैटल चंपारण की इस लड़ाई को जीतने के लिए आप अपने पर निर्भर होइए, फ्रेजर या किसी दूसरे की जरूरत नहीं है सी एफ एंड्रूस की जरूरत नहीं है किसी अंग्रेज की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो कारण है जिसके लिए आप यहाँ आए हो संघर्ष कर रहे हो वो उचित है वाजिब है जस्ट मतलब न्यायोचित जस्ट मन वाजिब उचित है यू शुड नॉट सी ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज आप मिस्टर एंड्रयूज़ के रूप में एक मोहरा मत खोजो बिकॉज ही हैपन्स टू बी इंग्लिश मैन क्योंकि एक अंग्रेज है तो एंड्रयू फ्रेजर को आप एक मोहरा बनाना चाहते हो बहुत गलत टू सीक माने पीछे जाना पाने की कोशिश करना आई सीक योर सपोर्ट फॉर माई फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस मैं अपने अन्याय की लड़ाई में आपका सपोर्ट चाहता हूं तो सीख मने चेष्टा करना पाना आई सीक योर सपोर्ट आई सीक योर ब्लेसिंग्स हम बड़ों को बोलते हैं कि आई सीक योर ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स मने आशीर्वाद मैं आपके आशीर्वाद की पाने के लिए ललायित हूं तो गांधी ने बड़ा साफ कहा कि एंड्रूस को एक मुहरा बनाने के लिए मत लो ही हैपंस टू बी एन इंग्लिशमैन क्योंकि वो अंग्रेज है टू बी हैपन टू होना क्योंकि वो एक अंग्रेज है हैपन माने घटना भी होना तो यहां पर केवल हैपन माने घटना नहीं यहां पे होना क्या होना एंड्रू फ्रेजर का इंग्लिश होना और इंग्लिश होने के नाते उसको मुहरा बनाने का प्रयास करना मेरे दोस्तों ये उचित नहीं है दिस इज नॉट प्रॉपर यू आर फाइटिंग फॉर द राइट थिंग हैव बिलीफ इन योर सेल्फ अपने स्वयं पे विश्वास करो अपनी क्षमता पर अपने स्टैंड पर जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हो उस पर और अपने स्वयं पर विश्वास करते हुए चंपारण में जो भी करना है वो करो ही हैड रेड अवर माइंड करेक्टली जब इतना सब लुई फिशर को बता रहे थे कि मैंने ऐसा कहा एंड्रूज़ के बारे में तो फिशर अब बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद क्या ही हैड रेड अवर माइंड करेक्टली राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया किसी को कहा कि गांधी ने हमारा माइंड जो है बिल्कुल सही समझ लिया टू रीड माइंड मतलब समझ लेना सामने वाला क्या सोच रहा है आई कुड नॉट रीड हिज माइंड मैं उसे समझ नहीं पाया वो क्या बोल रहा था क्या बोलना चाह रहा था क्या चाहता क्या था मैं समझ नहीं पाया आई कुड नॉट रीड हिज माइंड टू रीड माइंड सो राजेंद्र प्रसाद रेड द माइंड करेक्टली राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि गांधी ने हम लोगों को सही समझ लिया सही समझ लिया मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं उसको उन्होंने समझ लिया एंड वी है नो रिप्लाई और अब हमारे पास कोई जवाब नहीं था किस बात का एंड्रू फ्रेजर को जो हमने अनुरोध किया कि इसको यहां रोकने के लिए बोलो और एंड्रू फ्रेजर तैयार हो गया लेकिन हाँ एंड्रू फ्रेजर ने यह जरूर कहा कि गांधी मानेंगे तो मैं रुकूंगा तो लोग गांधी के पास गए गांधी ने कहा कैसे कायर लोग हो तुम लोग एंड्रू फ्रेजर के अपनी तरफ आने से सोचते हो कि चंपारण में रुकने से कि अंग्रेजों के साथ बराबरी की लड़ाई हो जाएगी तुम लोग इतने कच्चे हो कमजोर हो गलत बात अपने अंदर अपने स्वयं के विश्वास पर विश्वास करो अपने आत्मबल पर विश्वास करो रिलाई ऑन योर सेल्फ एंड फाइट और एंड्रू फेजर को मोहरा मत बनाओ उसकी छाती से गोली दागने की कोशिश मत करो अंग्रेजों पर तो राजन रीड उन्होंने हमें सही हमारे दिमाग को उन्होंने समझ लिया राजन प्रसाद कहते हैं एंड वी हैड नो रिप्लाई और हमारे पास कोई जवाब नहीं था गांधी इन दिस वे टॉटस ए लेसन इन सेल्फ प्रकार राजन प्रसाद कहते हैं गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया आत्मनिर्भरता का पाठ आत्मनिर्भरता की बात यहां कहाँ आ रही है अपने पर निर्भर हो अंग्रेज की क्यों मदद ले रहे हो आर यू सीकिंग हेल्प ऑफ एंड्रूज और द ब्रिटिश मैन Rely on yourself. And so Rajendra Prasad says that look, Gandhi was such a man that he taught us self reliance also in Champaran. Apart from hygiene, cleanliness, budget management, planning, um, and all those things, he also taught us the importance of self reliance. Self reliance, Indian independence. एंड हेल्प इन शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टूगेदर नाउ लू फिशर राइट्स कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मनिर्भरता भारत की स्वतंत्रता और किसानों की मदद ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे कहाँ वो चंपारण गए थे किसानों की समस्या के निराकरण करते हैं और किसानों की समस्या को निपटाते हुए उन्होंने कई पाठ पढ़ाए लोगों को सफाई का पाठ अपने परिवार वालों को समाज सेवा में लगाने का पाठ सामाजिक बुराइयों को हटाने का पाठ सांस्कृतिक वातावरण को ठीक करने का पाठ आदि आदि और उसके साथ ही साथ ये भी साबित किया

यदि हम कमजोर वर्गों की सहायता करेंगे उनकी दिक्कतों को समझेंगे चाहे वो शेयर क्रॉपर हो, चाहे कोई भी हो तो उससे सुधार होगा समाज में सुधार होगा हम लोग धीरे धीरे सेल्फ लैंड बनेंगे और उसी से हमें स्वतंत्रता मिलेगी देखिए गांधी की कितनी लंबी सोच थी शुरुआती दिनों में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको भारत दो अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरू में नहीं कहा उन्होंने तो शुरू में केवल बड़े छोटे स्तर पे काम शुरू किया चंपारण गए थे एक दिन के लिए दो दिन के लिए रह गए वर्ष भर चंपारण गए थे किसानों की समस्या का निवारण करने के लिए लेकिन वहां उन्होंने तो बहुत सारी चीजें कर दी बहुत सारी चीजें सिखा दी लोगों को दैट इज अ बिग लेसन और इस प्रकार विद दिस लास्ट लाइन लुई फिशर अप द चंपारण एपिसोड इस पूरे पाठ में गांधी के चंपारण जाने की घटना को लेकर